वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, लाइक अ होल मंथ आफ्टर, क्योंकि काफ़ी बिजी थी मैं बहुत सारी चीज़ों में। रूम मेकओवर व्लॉग आज हम करने वाले हैं। तो गाइज ये तो जो क्लिप शूट हो रही है एंट्री वाली फर्स्ट क्लिप जो ये शूट हो रही है जिसमें मैं अभी बकबक कर रही हूँ, ये क्लिप है हमारी सबसे लास्ट में शूट होती हुई, क्योंकि आज ही मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आज ही मैंने शूट किया। तो बिना बकवास करते हुए मैं लाइन की बात पे आती हूँ। तो गाइस जो मैंने फर्स्ट डे पे शूट की थी वो एक मतलब एक दिन के व्लॉग की क्लिप थी, बट आज जो आप व्लॉग देखने वाले हो उसमें एटलीस्ट 15 दिन की मेहनत एंड जो भी स्ट्रगल हमने किया इतने दिन, जो भी चीज़ें हुई वो सब मैं शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग दो पार्ट में आ सकता है, मुझे भी अभी नहीं पता है कि मैं इसको कैसे क्या एडिट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मैंने अभी बताया 15 दिन का ये व्लॉग होने वाला है, 15-20 दिन, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोग इतना देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो दो पार्ट में ये व्लॉग रहेगा। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड। ओके, तो या गाइस दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट और मैं क्या बताऊँ, मैं तुमको पूरे व्लॉग में बोलती हुई ही मिलूंगी, तो तुम व्लॉग देखो। चलो, सो दिस इज द डे 1 ऑफ आर रूम मेकओवर। आप देख सकते हैं कि अभी घर और मेरा रूम किस कंडीशन में है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप सबका अजम्पशन होगा कि दिस इज़ आर ओन हाउस या कुछ भी, तो गाइज दिस इज़ अ रेंटेड हाउस, हमने बस शिफ्ट किया है। पहले हम 2 BHK में रहते थे, अब हम 3 BHK में रहेंगे, सो दिस इज़ आर न्यू हाउस। ठीक है, तो ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं, एंड दिस इज़ आर बालकनी। बालकनी में हमको एक छोटा सा चूज़ा मिला है, इंग्लिश वर्ड मुझे आया नहीं, तो चूज़ा समझ लेना यार। ठीक है, तो ये रूम की स्वीपर से हमने सफाई करा दी थी, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बट अभी सेल्फ क्लीनिंग बाकी है। एंड दिस इज़ दिस 2 वार्डरोब हमारे रूम के, एंड वॉलपेपर है, एक वॉल क्लीन है। तो यहाँ पे मैं अपना जो वॉल है, क्योंकि जो पुराने यहाँ पे रहते थे उन्होंने यहाँ पे एसी लगवाई हुई थी, और मेरे रूम में मैं ऑब्वियसली नहीं लगवाऊंगी अभी, क्योंकि एक ही एसी है और वो पापा मम्मी वाले रूम में लगेगी। तो मैं यहाँ के जो ये होल्स है वो क्लियर करवा रही थी वाइट सीमेंट से, ये हमने इसको फिल करवाया, क्योंकि मुझे इस वॉल को एक बहुत अच्छा लुक देना था और मेरे पास ये एक ही वॉल थी डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ओवर जो सीमेंट ऊपर तक फिल हुआ उसको हमने कवर किया, एंड वी डिसाइडेड टू पेंट दिस वॉल, क्योंकि हमारे घर में एक वॉल और था जो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो हम उसको पेंट करवा रहे थे। तो जो बचा हुआ पेंट था उससे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वॉल खुद पेंट कर लूँगी, एंड ये रोलर लेके आई स्टार्टेड पेंटिंग माई वॉल, क्योंकि मुझे यही वॉल एक मेरे पास था जिसको मैं डेकोरेट कर सकती थी, और रूम लेने से बहुत पहले तक मैंने डिसाइडेड था कि एक वॉल तो एटलीस्ट मैं अपना डेकोरेट करूँगी जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मुझे पसंद हो ऐसा। वॉल पेंट करने के बाद मैंने पूरे रूम को अच्छे से वॉश किया पानी से, दिस इज़ द बाथरूम ऑफ आर रूम यू कैन सी, एंड इसको भी मैंने पूरा अच्छे से पानी से वॉश किया है ब्रश से रगड़ रगड़ के, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा सा हो गया, अच्छा लग रहा था काफ़ी। वॉश करने के बाद मैंने सारा पानी जितना भी एक्सेस वाटर था सारा वाइप आउट कर दिया वाइपर की हेल्प से, और कहना पड़ेगा गाइस ऐसे मैंने कभी ज़्यादा काम नहीं किया है अपने घर में, बट जहाँ मेरे रूम की बात आई थी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 15 दिन में इतना काम किया है। Meanwhile, guys, हम यहाँ हमारे घर के काम कर रहे हैं खड्डे भर रहे रोड के, इनका ऑटो में दिक्कत है बस देखते सर पापा पापा सुनेंगे नहीं क्या पापा ओ पापा पापा ऊपर तो देखो एक बार जोर से बोल हेलो करो देखो इनको तो हमको यहाँ की जरूरत थी वो कुछ नहीं, हम तो परेशान नहीं कर रहे, नीचे आके रोडों में मदद कर। एंड एट दिस पॉइंट मुझे खुद भी नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है, और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है, बट ठीक है चलो कभी कभी हंस भी लेना चाहिए खुल करके। और
सच में फनी था उस टाइम काफी ज्यादा वो सीन, बट ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो बिफोर वी कुड शिफ्ट, हमने सबसे पहले बप्पा को बिठाया ताकि आप हमारे घर का ध्यान रख सको, आप हमारे रूम का ध्यान रख सको और हमें प्रोटेक्ट करो, हमें गाइड करो। तो गाइज, ये हमारे घर का ईशान कोण है, तो शिफ्ट होने से पहले हमने हमारे ईशान कोण में हमारे बप्पा को बिठा दिया है एंड अभी हम उनकी फर्स्ट पूजा करेंगे। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये जो बप्पा है, मैं जब सितंबर में गई थी, कहाँ गई थी मैं, मैं मुंबई गई थी, तब सिद्धिविनायक गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी इनको। और पता नहीं, डेस्टिनी सेज इट ऑल, कि तब से लेकर अभी तक इनको नहीं बैठना था, बट इनको नए घर में बैठना था, सो ही शिफ्टेड हियर। इसकी आवाज आती है सर पे, अपने सर पे मार के अब इसके सर पे और अपने सर पे मार के देखा, सर पे मार के देखा, नहीं तो मैं मारूंगा, नहीं तो मार के देखा। ओके, आफ्टर ऑल दिस, सेकेंड डे पे सबसे पहले मैं जो लेकर आई थी वो थे मेरा रिंग लाइट, मेरा ट्राईपॉड और मेरा विजन बोर्ड ऑफ 2024। और यहाँ पे मैं हूँ, और अभी ऑलमोस्ट मैं जैसा जैसा सामान लाई थी वैसे का वैसा ही मैंने इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं हो। एंड द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स हियर। तो ऐसा कुछ सामान मेरे रूम में उस दिन था, ये रात हमारी उस दिन थी, तो गाइस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ जमाना मेरा रूम, और इसमें से आधा सामान मेरा नहीं था ऐसे कहा जाए तो। जो बेड पे मेरे कपड़े थे उनको मैं अरेंज कर रही थी ताकि मैं अपना वार्डरोब अरेंज कर पाऊँ। मैंने वो लगा लिया था हैंगर वाला जो स्टैंड आता है वो, और ये जो एक्स्ट्रा सामान था मेरे ड्रेसिंग के जस्ट सामने, वो घर का सामान था, वो मेरे रूम में अरेंज करने वाला सामान नहीं था, और उसमें से कुछ था जो बेड के नीचे जाएगा। तो टाइम लैप्स में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैंने कितना ही जल्दी काम कर दिया है, बट दिस होल सेकेंड डे प्रोसेस टुक मी अराउंड 3 to 4 hours, और मैंने 3 to 4 hours लगातार काम किया है। एक एक करके मैंने अपनी पूरी वार्डरोब जमा दी थी, जो मेरी फर्स्ट वार्डरोब थी, सेकेंड अभी भी वैसी ही बड़ी है।